हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम वेब स्टोरी बनाना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक जॉब पोर्टल है, vacancyconnect.com। पोस्ट कैसे लिखनी है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आप पोस्ट लिखना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आप स्टोरीज बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्लगइन इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा वेब स्टोरीज नाम से, और उस वेब स्टोरी प्लगइन का यूज़ करके आप इसमें स्टोरीज राइट कर सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं। तो देखिए, स्टोरीज के लिए सबसे पहले मैं स्टोरीज पे क्लिक करता हूँ, डैशबोर्ड में जाता हूँ। जो मैंने स्टोरीज बना रखी हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और अभी देखिए, 3 का या 4 का ट्रैफिक है वो हमारा आ रहा है, और वो वेब स्टोरी से ही आ रहा है। तो वेब स्टोरी काम करती है, वेब स्टोरी से अच्छा ट्रैफिक लाया जा सकता है। तो लेकिन अभी तो हमारी तो स्टार्टिंग है, वेब स्टोरीज लिखनी अभी हमने शुरू की है। तो अब हम वेब स्टोरी लिखेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। मैं वेब स्टोरी राइट कर लेता हूँ। तो एक वेब स्टोरी मैंने ड्राफ्ट कर रखी है। सबसे पहले मैं एक थंबनेल बना लेता हूँ वेब स्टोरी के लिए। तो वेब स्टोरी के जो थंबनेल का साइज़ है वो हमने ऑलरेडी बना रखा है, 640x853 पिक्सल का होना चाहिए। और ये मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। थंबनेल बनाने के लिए देखिए दोस्तों, मैं canva.com का यूज़ करता हूँ, और उसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अभी हम इसमें लिखेंगे, और ऊपर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लोगो हम दे देंगे। तो ये कलर मैंने कर लिया, अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपनी स्टोरीज पर, और लोगो को इंसर्ट कर देता हूँ मैं। लोगो आ गया, लोगों को मैं यहाँ पे बड़ा करके लगा दूँगा, या जहाँ भी मुझे अच्छा लग रहा है लोकेशन के हिसाब से देख के हम लगा सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो ये हमारा फर्स्ट पेज बन गया। उसके बाद सेकंड पेज पे आ जाइए। सेकंड पेज में फिर से हम क्या करेंगे, लोगो लगा देंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लोगो हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद हमने देनी इम्पोर्टेंट डेट्स। इम्पोर्टेंट डेट्स में फार्म कब से शुरू हुआ, तो वो डिटेल मुझे मिल जाएगी मेरे फार्म में। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 1/9 से 30/9 के बीच में, तो 1/9 से 30/9। उसके बाद फीस, एग्ज़ाम फीस कितनी है, इसकी एग्ज़ाम फीस है जनरल की 1000 रुपये है। तो वो चीज़ मैंने लिख दी, शो कर दी। इसको यूँ को रहें, फीस को यूँ को यूँ रहने देता हूँ। इसको हटा के और एयरपोर्ट अथॉरिटी का मैं लोगो लगा देता हूँ। उसके बाद एज लिमिट्स, एज लिमिट एज ऑन 25/8/2022, तो इसमें 25/8 लिख देंगे। तो इसमें एज है 18 से 30। तो दोस्तों मैंने लिख दिया एज। एज के बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर है इसमें। एक तो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ये हो गया, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। उसके बाद अगली जो चीज़ हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स। तो वैकेंसी डिटेल्स इसमें दे रखी हैं, जर्नल की हैं, तो हमने टोटल शो कर दी। उसके बाद अगले पेज पे हमने लिख दिया, क्लिक द लिंक बिलो फॉर नोटिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न एंड मोर। इन चीज़ों के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें, और इस लिंक में मैं क्या दे दूंगा, जो पोस्ट हमने लिखी है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँ। तो यहाँ पे स्टाइल में जाऊँगा जब मैं, तो यहाँ कॉल टू एक्शन मुझे मिलेगा। तो कॉल टू एक्शन में मैं क्या कर दूँगा, अपनी पोस्ट का लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा। पोस्ट का लिंक मैंने डाल दिया। उसके बाद इन पे एनिमेशन लगाना चाहें, इन पे कुछ पे ऑलरेडी एनिमेशंस लगे हुए हैं। जैसे देखिए, मैं क्लिक करता हूँ तो स्केल इन स्केल आउट ऐसे करके जो ऑलरेडी जो है लगा रखे हैं मैंने, तो अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। तो उसके बाद मेन काम हम कर लेते हैं। मेन काम क्या है, जैसे ये है हमारा टाइटल, तो इस टाइटल को मैं क्या करूँगा, इस टाइटल में डाल दूंगा। तो इस टाइटल में मैंने डाल दिया, कॉल टू एक्शन हमने कर लिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर हमें जाना है पोस्टर इमेज, तो पोस्टर इमेज में यहाँ पर फाइल अपलोड करूँगा। जो फाइल मैं यहाँ वहाँ से बना के लाया था उसको मैं यहाँ पर पोस्टर इमेज में डाल दूंगा। तो पोस्टर इमेज में मैंने वो फाइल डाल दी, और लगभग 7 पेजेस हमारे जो है वो रेडी हो चुके हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फार्म है उसको इसमें और क्या है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्शन भी हम इसी में से कॉपी कर लेते हैं।
हमारी जो पोस्ट है वो रेडी हो चुकी है, उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करते टाइम आपको दिखाएगा कि इस तरीके का डाटा आपका शो होगा। तो मेरा डाटा लगभग सारा सही है, तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी जो वेब स्टोरी है उसको लिख सकते हैं और वेब स्टोरी से बहुत सारा ट्रैफिक अपने वेबसाइट पर लेके आ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए। आपको हर कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।